Hey guys, welcome to my channel EDU Maths. So in this video, we have class 6 ka chapter 1, which is knowing our numbers. Uske try this page number 12th pe jo question hai, wo karne wale hai. Question number 1 says, how many centimeter makes a kilometer? Yani ki 1 kilometer is equal to how many centimeters, right? So sabse pehle dekhte hain kilometer, 1 kilometer mein meters kitne hote hain? 1000 meters, right? And 1 meter mein कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. सो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? जितनी जीरोस आई उसको काउंट करो. 1 2 3 4 5, राइट. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अगर 1000 मीटर हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स हैं, सो 1000 को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सेंटीमीटर्स आर देयर. So 1 kilometer is equal to 1 2 3 4 5, if you put comma from behind, 1 lakh centimeter. So 1 kilometer is equal to how many centimeter? 1 lakh centimeter. See, 1 kilometer ke andar 1000 meter, 1 meter ke andar 100 centimeter. So kya hoga? Isi ko 1 meter ko 100 centimeter ko hume yahan pe multiply kar dena hai. Hundreds ko multiply kar denge ताकि वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. और इस तरीके से, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है किलोमीटर मीटर में, तो आप इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए. उसमें मैंने एक किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच से एक उसका बेसिक फॉर्मूला है जिससे वो इजीली याद हो जाते हैं, चाहे वो लीटर्स हो, मीटर्स हो और ग्राम्स हो, वो बहुत ईजिली याद हो जाते हैं. तो आप उसको एक बार जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें इनको कन्वर्ट करना होता है. सो गाइस, अब करने वाले हैं ट्राई दिस पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो हमने पहले किया है. हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम? सी, 1 किलोग्राम यानी कि 1 kg में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम्स कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स. कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स. और 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम, राइट. सो मिलीग्राम, मिलीग्राम, mg. सो 1 किलोग्राम में कितने mg होंगे? आप देखिए, यहाँ से लेके हमें यहाँ पे जंप करना है, तो बीच में जो भी डिजिट आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है, इस 1000 को और फिर इस 1000 को. सो 1 kg, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 zeros आएंगी. इफ वी पुट कोमा, इट मीन्स देखो 1 tens 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh. सो 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम? 10 lakh milligram, राइट. अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है. अगर आपने कन्वर्जन देखना है, सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट इट. So let's move to question number second. Question number second says, a box contains 2 lakh medicine tablets. एक box है, उसके अंदर tablets हैं. कितनी tablets हैं? 2 lakh tablets हैं. Each weighing, यानी कि एक tablet का जो weight है वो है 20 mg, 20 milligram. What is the total weight? See, अगर एक टैबलेट का वेट 20 mg है, तो 2 lakh टैबलेट का क्या होगा? इस केस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पेंसिल है, एक पेंसिल 2 रुपए की है, 1 pencil worth 2 rupees, तो 2 pencils के कितने होंगे? 4 rupees. 4 क्यों हुए? क्योंकि हमने उसके अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरीके से अगर एक टैबलेट का वेट 20 mg है, तो 2 lakh टैबलेट का वेट क्या होगा? हम क्या करेंगे इसके लिए? मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 lakh, राइट. 40 lakh mg. अब ये तो हो गया मिलीग्राम में. आगे लिखा है, वट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स? टोटल वेट इतना होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया उसके अकॉर्डिंगली. अब उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में और किलोग्राम में. सी, mg जो है वो छोटी टर्म है ग्राम से, ठीक है. दैट मीन्स जब भी छोटी टर्म से बड़ी टर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 gram इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम. 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो कितने ग्राम के अंदर
40 lakh mg होंगे. उसके लिए क्या करेंगे, देखिए छोटी टर्म से बड़ी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं. तो ये यहाँ से 30 और 30 कट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4000 grams, राइट. यानी कि 2 लाख टैबलेट का अगर हम ग्राम में वेट देखें तो वो होगा 4000 grams. ध्यान से देखिए, ग्राम जो है वो मिलीग्राम से बड़ी टर्म है, और छोटी टर्म से बड़ी टर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं. तो हमने 40 लाख को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4000 grams. अब इसी को हमें किलोग्राम में भी करना है, हमें ग्राम से किलोग्राम में करना है. अगेन अगर देखा जाए तो ग्राम जो है वो छोटी है किलोग्राम से, किलोग्राम बड़ी टर्म है, और एक किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 grams, ठीक है. सो अगेन हमें छोटे टर्म से, ग्राम छोटी है केजी बड़ी है, अगेन हमें छोटी टर्म से बड़ी टर्म में कन्वर्ट करना है. तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, अगर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 grams होते हैं तो कितने किलोग्राम के अंदर 4000 grams होंगे. उसके लिए क्या करेंगे, हम अगेन डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटी टर्म से बड़ी टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम 4000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 30 से 30 कट हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा 4 किलोग्राम. सो क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ध्यान से देखिए, एक टैबलेट का वेट 20 mg है, तो 2 लाख टैबलेट का क्या होगा, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इस वेट को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था और किलोग्राम में कन्वर्ट करना था. तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, एमजी छोटी टर्म है, ग्राम बड़ी टर्म है, दोनों को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड. फिर उसके बाद ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो भी अगेन डिवाइड, क्योंकि ग्राम छोटी टर्म है और किलोग्राम बड़ी टर्म है. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़.